दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं के शरीर में क्या बदलाव आते हैं? आज हम आपको प्रेगनेंसी के बाद शरीर में क्या बदलाव आते हैं ये बताने जा रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि गर्भवती होने के बाद शरीर में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। प्रेगनेंसी के समय और प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को हमेशा अपनी बॉडी की ओर ध्यान रखना चाहिए। हमारी बॉडी में क्या परिवर्तन आते हैं और किस तरह के बदलाव होते हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में, जिसमें हम हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। जो जानकारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं की बॉडी में बदलाव एक आम बात है, क्योंकि महिलाओं के सारे बदलाव और इस हार्मोन में भी बदलाव आने के कारण इसका असर हमारे दिमाग और हमारे शरीर पर पड़ता है, जिससे कि हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के बाल और महिलाओं की सेहत दोनों पर असर पड़ता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके बालों पर अगर इसका असर हो रहा है, आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के बाद 6 महीने तक इसका असर रहता है, इसके बाद ये अपने आप हो जाती है। गर्भवती होने के बाद स्तनों के आकार में बदलाव आता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप अपने स्तनों के आकार में बदलाव पा सकती हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी के बाद हार्मोन्स में भी बदलाव आता है और यही कारण होता है स्तनों के आकार के बदलाव का। स्तनों में दूध आने के कारण ब्रेस्ट ढीले या फिर ब्रेस्ट लटकने लग जाते हैं, इसलिए अपने सही आकार की ब्रा पहनना बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी के बाद कमर दर्द आपको हो सकता है, इसके लिए आपको जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा जोर ना पड़े, इसके लिए आपको अपने पोस्चर को सही रखना चाहिए। लेटते समय, बैठते समय ये ध्यान रखें कि आप सही पोस्चर में ही बैठें, क्योंकि इसका असर आपकी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, इसीलिए ज्यादा परेशानी ना लें, ज्यादा खड़े ना रहें या फिर गलत पोस्चर में बैठने से बचें। प्रेगनेंसी के बाद ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अपनी योनि में दर्द होता है। बच्चा पैदा करने के बाद माँ के दिमाग पर मानसिक बदलाव होता है, जिससे कि ज्यादातर महिलाएं रोने लग जाती हैं या फिर कई महिलाएं स्ट्रेस लेने लगती हैं। कई महिलाओं का हमेशा मूड खराब रहता है, जिससे कि इसका इलाज करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। अपने मूड का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका असर आपके बच्चे की सेहत पर भी पड़ सकता है, इसीलिए अपना ध्यान रखें। और यदि बच्चा पैदा करने के बाद बॉडी में अलग अलग तरह के बदलाव आ रहे हैं, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से या फिर किसी साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट कर सकती हैं, जिससे कि आपको मानसिक तौर पर संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जिसमें हमने आपको बताया कि महिलाओं के शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं, लेकिन ये परिवर्तन होना तो आम बात है। अगर आप हमेशा खुश रहेंगी और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेंगी, साथ ही साथ अपना भी ध्यान रखेंगी, तो इस तरह के बदलाव ज्यादा समय के लिए नहीं होते हैं। 6 महीना या साल भर के बाद ये अपने आप जाने लग जाते हैं। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।